हाय फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई ऐसा पीडीएफ फाइल या डॉक्यूमेंट है जिसपे आप उसका मार्क चेंज करना चाहते हो यानी उसका नंबर को बढ़ाना या घटाना चाहते हो, जैसे कि मार्कशीट हो गया, तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से उस नंबर को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट या जो भी पीडीएफ फाइल है वो सिस्टम जनरेटेड होना चाहिए। आपको कैसे पता चलेगा वो सिस्टम जनरेटेड है, तो आपको उस डॉक्यूमेंट को ओपन करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे ओपन करके रखा हूँ। और उस पर जाके आप जैसे इस पे यहाँ पे कुछ भी लिखावट पे प्रेस करके रखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। तो ये जो है सिस्टम जनरेटेड पीडीएफ, इस पर आप काफ़ी आसानी से जो है ये सब चीज़ें जो है चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 20 है तो मैं यहाँ पे 40 डाल सकता हूँ, यहाँ पे 50 है तो यहाँ पे 80 डाल सकता हूँ। तो ऐसे आप कैसे चेंज कर सकते हो, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले क्रोम ब्राउजर में जाना है। और फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। इस वीडियो में दिखाया गया टेक्निक को गलत पर्पज़ के लिए यूज ना करें। इस पर आपको क्या करना है, आपको सर्च बार में यहाँ पे लिख देना है सेजदा, sejda.com लिख के आपको सर्च कर लेना है। जैसे सर्च करेंगे तो यहाँ पे आप sejda.com का वेबसाइट में पहुँच जाएंगे, कुछ इस तरह से दिखेगा। और यहाँ पे जो है आपको 3 डॉट वाला ऑप्शन में जाना है, और जाने के बाद यहाँ पे डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन दिखेगा, तो इस पर क्लिक कर लेना है, क्योंकि मैं पहले से क्लिक करके रखा हूँ तो कुछ इस तरह से दिखेगा इंटरफेस। और फ्रेंड्स, इस वीडियो से अगर कुछ आपको वैल्यू मिल रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ताकि और भी लोगों के पास जो है इस वीडियो को पहुँचने में मदद मिले। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बगल में बेल आइकन दिखेगा उसको प्रेस कर कॉल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आगे वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आपको क्या करना है, कुछ इस तरह से ओपन होगा, फिर यहाँ पे एडिट या पीडीएफ डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको टच करना है। जिससे टच करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा, फिर यहाँ पे अपलोड पीडीएफ फाइल का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको टच करना है। टच करने के बाद यहाँ पे जो है ये आपको फाइल में ले जाएगा, तो फाइल में आपको टच करना है। जैसे टच करेंगे तो यहाँ पे जो है कुछ इस तरह से ऑप्शन आएगा, फिर यहाँ पे आपको थिन लाइन वाला ऑप्शन दिखेगा, उस पर जाना है, फिर इस पर जाना है। इस पर जैसे जाएंगे तो यहाँ पे सारा फाइल दिखेगा आपको, आपके मोबाइल में जितना भी गैलरी में जितना भी फाइल है वो दिखेगा। फिर यहाँ पे जेएम के टेक जोन में जो है मेरा फाइल है, तो मैं यहाँ से इसको टच कर लूँगा। टच करने के बाद यहाँ पे जो है यूनिवर्सिटी नाम से है, तो मैं इसको ले लूँगा। तो इस पर मैं जैसे टच करूँगा तो कुछ इस तरह से जो है यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कुछ ऑप्शन आएगा, इसको आपको क्लोज कर देना है। फिर आपको नीचे जाना है, नीचे जाने के बाद यहाँ पे जो भी चीज़ें आप चेंज करना चाहते हो, जैसे कि 20 को मैं 40 करने के लिए बोला था, तो इस पर आप जैसे एक बार टच करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो लिखने के लिए ऑप्शन आ गया है, और इसको आपको बैक स्पेस से मिटा देना है। और यहाँ पे मैं इसको 40 कर दूंगा, तो यहाँ पे देख सकते हो कितना आसानी से चेंज हो गया। जैसे कि यहाँ पे मैं बताया था कि यहाँ पे 50 को मैं 80 कर दूंगा, तो दोनों को काटूंगा और यहाँ पे जो है 80 लिख दूंगा, तो यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी आसानी से जो है चेंज हो रहा है। और ऐसे चेंज करके जो है आप यहाँ पे टोटल को भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे काफ़ी सारा ऑप्शन और भी आपको दिख जाएगा, जैसे कि आपका अगर फोन कलर अलग है तो वो भी कर सकते हैं, कुछ डिलीट करना है तो वो भी कर सकते हैं, और इसके जरिए जो है काफ़ी आसानी से इसको चेंज कर सकते हैं। अब इसको सेव करने के लिए आपको क्या करना है, इसको बैक स्पेस करना है, और यहाँ पे आपको अप्लाई चेंजेस का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर आप जैसे चेंज क्लिक जैसे टच करेंगे तो ये जो है प्रोसेस होने लग जाएगा। जूम आउट करना है और यहाँ पे आपको दिख जाएगा डाउनलोड का ऑप्शन, यहाँ पे आपको प्रीव्यू भी दिखेगा बट यहाँ पे दिख नहीं रहा है। यहाँ पे डाउनलोड में आप जैसे टच करेंगे तो यहाँ पे जो है आपका डॉक्यूमेंट जो भी आपने चेंजेस किया था वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। और मैं इसको जो है ओपन करके आपको दिखा देता हूँ, मैं जो भी 40 और 80 किया वो दिख रहा है कि नहीं, तो मैं इसको पीडीएफ व्यूअर में ओपन करूँगा। और ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने जो भी 40 किया था वो 40 दिख रहा है, यहाँ पे 80 किया था 80 दिख रहा है। तो इस तरह से जो है आप अपना मार्कशीट में चेंज कर सकते हैं, आप जो भी नंबर है उसको इंक्रीज कर सकते हैं या तो फिर उसको घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा आप अपना मार्क को या नंबर्स को जो है कैसे इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में दी गई जानकारी अगर सही लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और फ्रेंड्स, इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कौन वीडियो कौन जानकारी, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।